जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम हाजिर हैं आप दोस्तों की खिदमत में और आज का व्लॉग कर रहे हैं जी स्टार्ट। जी तो गाइस, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सुबह की वाक के साथ स्टार्टिंग होती है, वैसे ही आज भी सुबह की वाक ही कर रहे हैं और वाक करते करते जा रहे हैं अपने एरिया की तरफ, अपनी जगह पे जहाँ हमने जाके स्टे करना है, फिर वहाँ से वापस इंशाल्लाह ताला। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला आज की अपनी डेली की रूटीन जो होती है मेरी ना, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो डेली की रूटीन वैसे मेरी इतनी कोई ख़ास नहीं होती है, पर फिर भी जो होती है वो मैं आपको बताऊँगा कि मेरी ये डेली की रूटीन है। सुबह उठते हैं जी, नमाज़ हमारी बदकिस्मती से रह जाती है क्योंकि कल रात काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया था और बहुत ही ज़्यादा थक गया था जिसकी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाया। क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि मैं गया हुआ था इस्लामाबाद से रावलपिंडी जो है सदर का एरिया, वहाँ पे दो तीन काम थे उनको निपटाना था, वो निपटाए हैं और काफ़ी ज़्यादा यानी कि पैदल सफ़र किया था। थोड़ा दूर दूर थी जगह, शाहीन प्लाजे का आपने नाम सुना होगा, वहाँ जाना था, एक दो जगह और थी इस तरह की, वहाँ जाना था। तो वैसे मैं बाइकें की सर्विस भी ले सकता था पर मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं कहता हूँ कि इतना पैदल चला जाए ना उतना सेहत के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने पैदल चल के ही ज़्यादा सफ़र जो है ना वो किया और फिर उसके मुताबिक मैं थक गया, काफ़ी थक गया था। फिर रात को बहुत जल्दी नींद आ गई थी मुझे, आप यकीन माने कि 10 बजे से पहले ही मैं सो गया था, वीडियो जो है ना अपलोडिंग पे लगा के वो, फिर मैं 10 बजे से पहले ही सो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठाऊँ, थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो उठाऊँ और अभी उठ के जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक करेंगे, वॉक करने के बाद फिर जो अपने ऑफिशियल वर्क वगैरह हैं वो करेंगे, अपने काम करेंगे। और आज के व्लॉग में मैं थोड़ा सा आपको अपना तारुफ भी कराऊँगा, बिल्कुल तारुफ जो करवाना चाहिए बनता है। मेरा नाम राशिद निसार है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरा जो इलाका है वो भावल नगर है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है और सेटल वैसे हम कराची में, क्योंकि वाले साहब कराची आ गए थे तो फिर वहाँ कराची में ही जॉब स्टार्ट कर दी उन्होंने स्टील मिल में, तो फिर वहाँ से हम कराची ही सेटल हो गए। पंजाब से तालीम वगैरह वहीं हासिल की, पढ़े लिखे वहीं पे, फिर वहीं से जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की और गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। तो अभी इसी सिलसिले में जो है ना कराची से मैं इधर इस्लामाबाद ड्यूटी के लिए आया हूँ मेरठ, तो यहीं पे जॉब करते हैं तो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, रिलेटिव्स हो गए तो उनको तो पता है। और गाइस अभी तक जो इस चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो और डेली रूटीन हमारी बस इतनी ख़ास नहीं है। आज के मौसम के बारे में बताता चलूँ, आज का मौसम जो इस्लामाबाद है काफ़ी गर्म है, गर्म है और गर्म होने वाला है आगे चल के भी। अभी तो जो है ना वो 30 डिग्री चल रहा है, आगे चल के जो है ना जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे जो है ना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वैसे फोरकास्ट वाले बता रहे थे कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाला है मौसम, गर्म हो जाएगा काफ़ी। तो इसी तरह मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपना भी काफ़ी सारा ख्याल रखना है। तो गाइस चलें हम वाक मुकम्मल करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़े से ब्रेक के बाद आपसे, तब तक के लिए बाय। जी तो गाइस हम आ चुके हैं अपने दोस्त के पास, एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और उन्होंने आज हमारे ऊपर जो है ना डेबिट डाल दी है लेट आने का, और वो डेबिट है जी समोसा चाट, जो कि वो भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। ये एक बॉक्स उनका है और एक बॉक्स हमारा है, तो आज कोशिश करते हैं आज अपने दोस्त इसलिए, तो जो जो दोस्त खाना चाहते हैं हमारे साथ इंजॉय करना चाहते हैं इस समोसा चाट को, आ जाएँ वो हाजिरी लगाएं और मज़े से खाएं। इसको हम पहले करेंगे जी मिक्स अच्छे से, आएंगे इसका टेस्ट कैसा है और
खाने में कैसी है मसाले, इसके ऊपर थोड़ा मैंने तेज़ रखवाया है क्योंकि तो मैं मसाला तेज़ खाता हूँ। वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़े की है गाइस चाट, एंड आप लोग भी खाएं। यस गाइस, अभी मैं और मेरा दोस्त बाबूर खान बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने और एक ज़बरदस्त किस्म की चाय पीने। तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, सामने बिल्कुल सूरज है आँखों के, इसलिए हमने आके सामने मोबाइल रख लिया और हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जो दोस्त चाय का शौक़ रखते हैं और चाय पीते हैं शौक़ से, वो कमेंट्स में आएँ और मुझे बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। हम आ गए हैं, दोस्त हैं हमारे बाहर इधर अब्दुल्ला गार्डन में रहते हैं, सनाउल्ला नाम है तो उनका, माशाल्लाह एक अपना हॉस्टल है, हॉस्टल रेंट आउट करते हैं तो उनके वो मैनेजर हैं, तो उनके मिलने आए थे तो उन्होंने माशाल्लाह देखी हमारी खिदमत में चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। चाय का मूड था पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक आ गए हैं, तो इनसे भी इनकार नहीं है, खाएँगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर खाएँगे और मज़े ले लेके खाएँगे। तो आ जाएँ आप सब दोस्तों को भी शामिल करते हैं इसमें, सब मिलके खाते हैं। ये तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं वापस इलाके में और अब हम अपने रूम की तरफ जाएंगे, और माशाल्लाह दोस्त से मिले बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कल फिर इंशाल्लाह ताला एक नई सुबह के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल जी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें काइंडली। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।